सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज हम जाने वाले हैं एग्जीबिशन, जिसको नुमाइश भी बोलते हैं। आप सबको मालूम होगा, जो जो भी हैदराबाद से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, उन सबको मालूम होगा एक ना एक बार तो ज़िंदगी में गए होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं नुमाइश। आप सबको मालूम है ऊपर से आज संडे है, कैसा क्राउड रहता, कितनी ज़्यादा पब्लिक रहती है, आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं, देखेंगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप सबको मालूम है वहाँ पे बहुत सारे सीना रहते हैं, जैसे कि मौत का कुआ है, झूले है, अभी कई सारे स्टॉल्स रहते हैं खाने पीने के भी, बहुत सारे सीना रहते हैं, इन्जॉयमेंट बहुत होने वाला है। वो तो आखिर तक मेरा ब्लॉग देखना। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सबके साथ शेयर कर दो, ठोक दो लाइक। Thank you.
जाएंगे झूलों के पास, चलो आपको बताएंगे झूले वूले क्या है, क्या लगे यहाँ पे। हमारे सोल भाई है, हमारे कोच भाई है। देखो खाली करोड़ देखो यहाँ पे, ऐसा रब्बा के करोड़ है, देख रहे हैं। संडे का आलम वही है, खाली कुप्पा बोल तो कुप्पा पब्लिक रहती भरेगी, धक्के मार लेते चलना पड़ा। आ जाओ अपन आए खाली फन के वास्ते, आओ आगे जाएंगे अपन। पहले हमारे भाई का परचेस करते करते ड्राई फ्रूट की दुकान पे जा रहे हैं, क्या है पूरा चले वैसा भी नहीं है आप। भाई भाई की शॉप है, ड्राई फ्रूट शॉप है, दुकान का नाम है कश्मीर भट्ट ड्राई फ्रूट, देख लो भाई वो अच्छा देते पूरा माल। होना है तो ये दुकान के सामने आ जा सकते, ये मैजिक टॉयस के सामने एकदम झूलों के राइट साइड में छे शॉप भाई की कश्मीर भट्ट ड्राई फ्रूट्स, देख लो भाई। चलो भाई आगे जाएंगे अब भाई, ये देखो भाई ये दुकान पे आया भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताइब है, कश्मीरी भट्ट ड्राई फ्रूट, कश्मीरी भट्ट ड्राई फ्रूट भाई की दुकान का नाम, भाई का नाम ताइब है। हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट की वैरायटीज है और जैम्स है, शहद है, पूरा गर्म मसाला है, पूरा पूरा जो ड्राई फ्रूट में आता है सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हर एक चीज़ ड्राई फ्रूट में। और सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे पास, विदाउट केमिकल्स नॉन फ्यूमिगेटेड थिंग्स हमारे पास मिलेगी आपको, सेहत से रिलेटेड इम्यूनिटी के रिलेटेड हर चीज़ के रिलेटेड मिलेगी आपको। देख सकते हो भाई के पास पूरे नेचुरल पूरे चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हो या गर्म मसाले जो भी है आके परचेस कर सकते हैं आप। भाई की दुकान का नाम ये है कश्मीरी भट्ट ड्राई फ्रूट्स, एकदम झूलों के राइट साइड में भाई की दुकान रहती है। भाई से तो मुलाकात कर लिए है हमारे, वही लोग वही कंड से लेते रहते करते हर साल, तो क्या है इसके इसके वास्ते इनके पास आए थे मिलने के वास्ते। भाई की दुकान का आपको मैं इंट्रोडक्शन करा था, भाई का ने कहा है आके ले लेना अपने से, लगड़ा सगड़ोड़े एकदम हाथ देगी खाली। अब ये मौत के कुएं के दीवाना दिख रहे, जड़ 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 चढ़े आना समझ रहे, आ जाओ तो कहीं जाना है तुझे। हाँ नहीं वो स्टार्ट आयो
जाएंगे अपन। हाँ क्या फुल पब्लिक भर गए नीचे, आप सबको मालूम है एग्जीबिशन में सबसे फेमस चीज बोले तो मौत का गोवा। और देखेंगे अपन
अपन पंच तो मार देंगे तो 180 290 कुछ आया देखेंगे, चलो दूसरी चीज देखेंगे। बहुत मार लिया अपन चांस आ रहा है, वही कुछ आ रही हाँ वही क्या है मार हथौड़ी हथौड़ा मारी अब आ जाओ। कितने की है भाई? 20 एक हथौड़ा बता देंगे अब आ जाओ। पूरा पीछे था मैं थाउजेंड पे वन शॉट फ्री है भाई, मार रहे चलो चलो भाई गावा थे। अरे 920 फिर और एक आया थाउजेंड आएगा गावा थे चलो भाई आ रही क्या गाना थाउजेंड यहाँ भाई चलो हमारे हौज भाई मार रहे हाँ हौज भाई भी 580 बता दिए हौज भाई क्या बात है, चलो लेवल हो गया मैटर। हाँ अरे सोलो मार दिए 1000 उठाए गया थोड़ा जी 1000 अब जी आप पंच पे भी दे देना था सोलो एक पंच मार दिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द पंच मार दे बॉली जो खड़ के चिल्ला था खलास वही आप देख सकते हैं स्मूथ कैंडी है स्मूथ कैंडी का नाम है यहाँ करेंगे क्या कुछ बोले काम बिल्कुल कहा बोल भाई कहीं सर मारो एक धुआं हाँ स्मोक चॉकलेट भी खा लिए मुंबई से था भर भर के धुआं नहीं कर रहा है तो इसकी स्टिक छीन ली तो मान थोड़ी आया थी क्या बना रही है भाई खाली ले लेगा डर कहीं क्या मुंबई जो इतना भी संतों का परफ्यूम भी स्ट्रांग परफ्यूम में यहाँ माली हो तो 3 दिन तक गोने जाती आंग में से दुकान अरे पलड़ जा रहा भाई वो
पलड़े आ रहा हथौड़ी जब अपन मार रहे नहीं हाँ इन सही मारे जमा के मारते सीधा हजार अब क्या करेंगे ऐसा चलो आ जाओ पब्लिक बहुत खतरनाक पब्लिक है भाई सोच भी नहीं सकता अपना लैंगर पब्लिक है क्या है खाली समझ नहीं आ रहा स्टॉला स्टॉला जो भी जरूरत की चीज़ें हैं ले ले सकते पूरे लेडीज के रहते हुए अपना क्या रहता चलेंगे कि तीर मारने का शुरू हो जाओ भाई अब हम आगे गन शॉट मारने देखो बिगड़ी गन थोड़ा देना है सीधा आ जाओ निशाना बता निशाना बता चलो चलो अब लगना ही लगना अब लास्ट एक शॉट बता दो मुझे लास्ट का एक शॉट बता दो ट्रिगर मारना है मार लो चलो चलो जा चलो हज भाई क्या बात है अब लगना ही लगना बीच में सेंटर में आना है नाम खराब कर दे रहा ऊपर मार दे यार क्या बात है एक भी नहीं मारे साबित पेपर आया जैसे का एक भी शॉट नहीं आया पूरे शॉट पूरे इधर उधर घुस गए जाओ एक भी ना पड़ा पेपर पे चलो दूसरी चीज करेंगे ये ग्रुप ऑफ मैकडॉनल्ड्स नहीं है बोलते यहाँ पे खाली पिस्ता हाउस है मस्कदी है लाशा लंका चाहिए खत्म पॉपकॉर्न ना भरपूर इधर पॉपकॉर्न उधर पॉपकॉर्न क्या भज भाई कैसा था शॉट रिव्यू क्या है कैसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था अरे मारते पेपर तड़ी पार वीकेंड है संडे है देखिए आप लोग क्राउड भी बहुत ज़्यादा है आज पड़ रहा चलने के लिए अभी सही जगह नहीं है चलने के लिए जगह नहीं है आँखों पे कुछ जा रहे बुरा बुरा देख सकते हैं आप लोग सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर सब स्टॉल्स अवेलेबल है सब स्टॉल्स है भाई मगर अपने काम की एक भी नहीं है बच्चों के खाली वो जो करे हम ना चुलबुले काम एंजॉयमेंट के लिए आ सकते हैं हाँ वो गन्ने आ सकते हैं खाली वो गन्ना आना बंदूखा मार दे सकते क्या भाई ये क्या है आपके आदमी मसाज का है किसी हड्डी टूट गया हड्डी को रख दिए तो
वही सीधा हाथ को लगा दी, हड्डी छुड़ गई तो बोलते अवेलेबल है खाएंगे क्या वो कटोरा लेके पिस्ता दूसरा ट्राई करिए। हाँ खाली यश पुकारते रहते वो यहाँ पे 500 150 500 400 700 पुकारते रहते थे जो दुकान हर चीज की दुकान अपने 80 रुपीज का बाहर यहाँ पे 180 ₹100 बढ़ गए खलास। एग्जीबिशन का ये चेक पड़ा है। और एक एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो भी फूड आइटम है वो आप बाहर से ही बिल करिए, इंटरनली जो फ्रूट आइटम है वो बहुत एक्सपेंसिव है वो अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ बस खतरनाक समझ रहे ना दे दे रहे बंड अभी तो 7 बजे मैडम का घड़ी घड़ी बताओ सुल चलो ये पॉइंट घड़ी है तब क्या करना है फिर अब 7 बजे रहे दोस्तों पूरा टाइम क्या कितना भी फिर कम है फिर भी अपन बाहर जाकर देखेंगे अल्लाह बता दिए गोलियां मार दिए तीरा मार दिए सुम मार दिए चलो एक शॉट फिर भी ले लिए हथौड़ी ऐसा मारते कि कला सगा मार पूरा लेवल पर घन का है लगता एक एक गोली नहीं लगी असली गन दे दिया ना हवा में मारा बोलते पूरे आदमी के खोपड़ियों में पड़ते फिर अपने गोलियां घमाघम यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टॉल्स अवेलेबल है जिसमें टेक्सटाइल्स है और अपने स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल्सो डिजाइनर सूट्स एंड ऑल अगर हमें अगर एंटिक्स चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पब्लिक खतरनाक नीचे मार रही भैया पब्लिक के बारे में क्या बोल पब्लिक तो आप देख सकते हैं आज संडे है आज फंडे के टाइप दिख रहा है यहाँ पर फंडे के टाइप मार ले रहे डिच्चे मार ले रही पब्लिक एक को एक सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है तो ऑफेंसिव ना रहा ना कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस को भी टच कर सकते हैं आप लोग आके कुछ आपका मिसिंग हो गया कुछ तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं वो लोग पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर तो यहाँ पे बच्चे घूम जाते हैं वो भी अपने मुसलमान पर इंस्टॉलेशन किया गया है उनके ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स उधर रहा है यहाँ पर जिसमें उनके क्या है इसका नाम हिंदवेयर हिंदवेयर हार्डवेयर हिंदवेयर ब्रांड का देखो देख लो किचन अप्लायंस अच्छे रहते का देखिएगा किचन अप्लायंस एकदम लास्ट टाइम क्या है भाई कोविड की वजह से नहीं हुआ था एग्जीबिशन इसलिए क्या है आपके टाइम पर फुल उप्पा खतरनाक पब्लिक है देख सकते हैं आप पीछे कैसे जा रही था दीवान घर को जाने के टाइम पर लोग आ रहे अपने तो भी 10:30 को क्लोज टाइमिंग दे दिया पहले 10 था अब 10:30 टू 10:30 ओपन रहेगा एग्जीबिशन 3:30 टू 10:30 खला है सब इसमें क्या करना है कर लो हम वहाँ तो कुछ कुछ कर लिए चलो हर का भी कट आउट मारना है सिर्फ कुछ भी नहीं पंच गाइस हियर इट्स हैदराबाद तेलंगाना गवर्नमेंट इंस्टॉल देयर रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट वेयर दे हैव शोकेस देयर आर्किटेक्चर डिजाइन So they have created so many monuments in Hyderabad. So this all are the called Honorable Chief Minister Residence House in Banjara Hills, which was made by Telangana government.
न्यू आर्किटेक्चर डिज़ाइन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर सेक्रेटेरिएट फॉर द सिटी एंड इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. वी आर सून वेरी सून गोइंग टू लॉन्च इन हैदराबाद द ओपनिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी. सो दिस विल बी द न्यू सेक्रेटेरिएट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट कैंपस बिल्डिंग. चलो आ जाओ अब दूसरे चीज़ें देखिए वो चीज़ें यहाँ पे. This is Anisul Gurba, orphan people at model orphan Anisul Gurba at Nambulli Vidram. This is Maitreya's Memorial Telangana. It's a museum which are going to create in Tangmod near Namini Park. जैसे कि आप वहाँ देख लिए भाई क्या क्या था अंदर अपने हैदराबाद को और कैसा अपने अभी डेवलप होने वाला है वो सब वहाँ पे अंदर लिखे हुआ था वो बने हुआ था क्या क्या कैसा कौन से बिल्डिंग वहाँ डेवलप होने वाले वो सब था अंदर पूरा इंटरव्यू दे दिया. इट इज जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर पीपल हु वांट टू नो अबाउट दी हैदराबाद डेवलपमेंट इन द पीरियड ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट. तो भाई आप लोग देख सकते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें थी हमने सब बताया आप लोगों को. पूरा एंटरटेनमेंट तो हम लोग का तो फुल हो गया भाई. बच्चों के काम की चीज़ें ज़्यादा नहीं रहती, पूरे लेडीज़ के रहते कपड़े वगैरह घर को डेकोरेट करने के चीज़ें वो अपने काम के नहीं रहते भाई. अपने काम के जो जो थे चीज़ें पूरे कर डाले अपन थोड़ी थोड़ी मार दी क्या सुन भाई. हाँ अब क्या घर को जा रहे अपन. अब एग्जिट मार देना है चीज़ा कहाँ से जाना है यहाँ से बता लो. घूम लिया होगा पूरा इंजॉयमेंट के लिए एग्जिट पे आ गए अपन घर को जा रहे हैं. बस होगा आओ आप लोग भी आके फुल एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे नामपल्ली पे एग्जीबिशन. ऐसा नहीं किसी को नहीं मालूम बोल के वैसा नहीं रहता, हर किसी को मालूम है हैदराबाद में ये एक ऐसी चीज़ है जो साल में सिर्फ एक बार ऐसा होती. कितने महीने के आस्ते रहता सूर्य भाई ये? हाँ 3 months का रहता, 45 days का ये रहता पूरा एग्जीबिशन. आप लोग देख सकते हैं आ सकते हैं यहाँ पे फुल इन्जॉयमेंट भाई भरपूर इन्जॉयमेंट होता समझ रहे. तो भाई अब घर को जा रहे हैं हम वहाँ पूरा कर लिया इन्जॉयमेंट सब हो गया. घर को जाके खाना वाना खा लेना है. आओ आप लोग भी आके इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे. ज़्यादा नहीं सिर्फ 40 rupees टिकट है इसकी मिनिमम ओनली 40 rupees टिकट है. आ सकते हैं आप कोई भी आके जो ये पूरा एरिया पार्किंग का एरिया है यहाँ गाड़ी लगा जाना ठीक से गेट में से अंदर चले जाना. आ जाओ फैमिली के साथ भी आ सकते हो दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं मगर यहाँ पे आके क्या है गैर गलत काम नहीं करना. शी टीम रहती अंदर दवा आगे दे रही 3 दिन से अंदर समझ रहे. अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो लाइक करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करो सबके साथ. यहाँ पे अंधेरा होगा तो ठीक है चलो मिलता हूँ फिर मैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह.